आज राजधानी स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में 50वीं डिग्गी कल्याण धरनी की पैदल यात्रा शुरू हुई। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में जत्थों के अंदर पैदल ही रवाना हुए। आज राजधानी में होने वाले फिपिक सम्मेलन के कारण डिग्गी यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैदल यात्रा के 50वें और आखिरी ध्वज को गलता पीठ के महंत अवधेश महाराज ने विधि विधान से रवाना किया। आज से शुरू हुई पैदल यात्रा में दो अलग अलग समुदाय का आपसी प्रेम भी देखने को मिला। आपको बता दें कि आज राजधानी से के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में 50वीं डिग्गी कल्याण जी की पैदल यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में जत्थों के अंदर जुटना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि आज राजधानी में होने वाले फिपिक सम्मेलन के चलते इस यात्रा का रूट पहली बार बदल दिया गया है। आपको बता दें कि पैदल यात्रा के 50वें और आखिरी ध्वज को गलता पीठ के महंत अवधेश महाराज ने विधि विधान से रवाना कर दिया है और आज से शुरू हुई यह पैदल यात्रा दो अलग अलग समुदाय का आपसी प्रेम भी इस यात्रा में देखने को मिलेगा। जो पदयात्रा है ये पूरे जन समुदाय में बहुत बड़े इस समय आकर्षण का विषय इसलिए है कि सभी के मनोरथ वहाँ पूर्ण होते हैं और लोग इसमें बहुत प्राणपन से सेवा करते हैं, इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मेले जैसा कार्य डिग्गी की पदयात्रा है और मैं इसमें इस समय इस अवसर पर भगवान के कृपा से सबके मनोरथ वो पूर्ण हो और जो इच्छाएं लेकर के, क्योंकि पदयात्रा एक प्रकार का तप है तो ये तप जो है उनको फलीभूत। कल्याण जी की पैदल परिक्रमा जो इस यात्रा को आपकी साल 50वां साल पूरा हो जाएगा, यात्रा का स्वर्ण जयंती वर्ष है ये। इस पैदल परिक्रमा में लाखों स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। मैं श्रीजी शर्मा डिग्गीपुरी कल्याण पदयात्रा संघ अध्यक्ष व संचालक, मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री रामेश्वर लाल जी लोहे वाले ने सन 1964 में इस यात्रा को शुरू की थी जिसमें 15 से 20 यात्री जाते थे। आज इस यात्रा का इतना विस्तार हो गया कि इसमें लाखों स्त्री पुरुष भाग लेते हैं। मैं सब जगह जाकर व्यवस्था देखता हूँ, बालाजी महाराज के यहाँ रैनवाल में सब जगह, रास्ते में भी कोई अगर कोई समस्या है तो उसको तुरंत, पानी की समस्या है, चीज की समस्या, मैं 30 साल से कर रहा हूँ।